सब्सक्राइब करें एजुकेशन इन्फो टीवी को और साथ बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस करें एजुकेशन से मुतालिक नई वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अब्दुल करीम, एजुकेशन इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में ये बताऊंगा कि एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के 12,000 रुपये माली इमदाद मिलना शुरू हो गई है, और ये आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे, कौन सी बैंक से मिलेंगे, और आप लोगों ने साथ कौन सी चीज़ लेकर जानी है ताकि आप लोग पैसे आसानी से ले सकें। तो इससे पहले एक और चीज़ भी आप लोगों को बता दूं कि एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के फेस दूसरे का भी आगाज़ कर दिया गया है, जो कि मैं अभी कुछ देर के बाद एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें कंप्लीट बताऊंगा कि जिन लोगों ने एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम में अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप वो दूसरे फेज़ के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और 12,000 रुपये पर मंथ ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अब आप लोगों ने कौन सी बैंक में जाना है पैसे लेने के लिए। तो इसके लिए HBL बैंक और अरफलाह बैंक और इजी पैसा और कुछ स्कूल मुकर्रर किए गए हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, जहां पर से आप लोगों ने जाके पैसे लेने हैं। तो पैसे लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक मैसेज आएगा एहसास इमरजेंसी की तरफ से, और जिसमें आप लोगों को कोड दिया जाएगा। वो कोड वाला मैसेज आप लोगों ने डिलीट नहीं करना, वही कोड आप लोगों का पासवर्ड होगा, वही पासवर्ड लेके आप लोग कहाँ जाओगे, इजी पैसा शॉप या टेलीनार की फ्रेंचाइज में या HBL या अलफलाह बैंक में जाओगे। वहाँ पर आप लोगों की बायोमेट्रिक तस्दीक होगी। बायोमेट्रिक तस्दीक करने के बाद ही आप लोगों को 12,000 रुपये दिए जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को कोड आएगा। जिन लोगों को अभी तक मैसेज नहीं आया, कोड नहीं आया, वो लोग क्या करें, अभी इंतज़ार करें। जैसे ही उन लोगों को कोड मिल जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे, अलफला बैंक या HBL या इजी पैसा शॉप में जाएंगे। वहाँ पर जाएंगे तो वो उनको कोड दिखाएंगे, और वहाँ पर जाने के लिए उन तमाम हजरात की आप सबकी क्या होगी, बायोमेट्रिक तस्दीक होगी, और अपने साथ ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड भी लेके जाना है, और साथ शनाख्ती कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने अपने साथ लेके जानी है, फिर जाके आप लोगों को 12,000 रुपये मिलेंगे, और हर घर से सिर्फ एक फ़र्द को ही 12,000 रुपये मिलेंगे, तमाम अफराद को 12,000 रुपये नहीं मिलेंगे। और इसी तरह से एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के दूसरे फेज़ का भी आगाज़ कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, मज़दूरों ने ये शिकायत की है कि हमें तो ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता, हमें तो मैसेज सेंड करना नहीं आता, या हमारे पास बैलेंस नहीं था जिसकी वजह से हम अप्लाई ना कर सकें। तो हुकूमत ने इसी मामले को सोचते हुए ये फ़ैसला किया कि एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के दूसरे फेज़ का भी आगाज़ कर देते, ताकि जो लोग बच गए थे वो आसानी के साथ अप्लाई कर सकें और वो भी से ले सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी से इसे लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।